आज अलिस्तान के राजकुमार अथव का बर्थडे है। एक बड़ा आलिशान केक उनके लिए लाया जाता है। क्या आप केक को देख के बता सकते हैं अथर्व कितने साल के हो गए हैं? जल्दी से सोचिए लॉजिकल आर्मी। केक में 18 मोमबत्तियां लगी हुई है, मतलब अथर्व 18 साल का हो गया है। राजकुमार के बर्थडे की खुशी में पूरे आलिस्तान में फटाके फूट रहे हैं। तभी राजा अथर्व से कहते हैं, बेटा इतने साल तक तुमसे मैंने झूठ बोला था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, लेकिन आज पूरे 18 साल हो गए हैं तो मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। तुम्हारी माँ का नाम जास्मिन था। वो बहुत खूबसूरत और बहुत इंटेलिजेंट थी। जब जास्मिन से मेरी पहली मुलाकात हुई थी तब उसने मुझसे पहेली पूछी थी। पहेली है? ऐसा कौन सा फल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मीठा होता है? ये फल इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है, तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए ये कौन सा फल है। ये मेहनत का फल है। मैंने इसका जवाब दे दिया था, उसके बाद जास्मिन और मेरी शादी हो गई थी। ये बात काली दुनिया के शैतान गोगो को पता चल गई थी। वो भी जास्मिन से शादी करना चाहता था, तो गोगो ने हमारे राज्य पे आक्रमण कर दिया और जास्मिन को एक शीशे की बोतल में कैद कर दिया और वो शीशे की बोतल को किसी अनजान जगह पे छुपा दिया। तब राजकुमार अथर्व अपने पिता से कहता है, तो आपने कभी माँ को चुराने की कोशिश क्यों नहीं की? तब वो कहते हैं, जहाँ तुम्हारी माँ को छुपाया है वहां तक पहुंचने के लिए 6 अलग अलग तरह की दुनिया को पार करना होगा। मैं तुम्हें महल में छोड़कर तुम्हारी माँ को बचाने के लिए निकल गया था और सबसे पहली दुनिया के दरवाजे तक भी पहुंच गया था। दरवाजे के बाहर एक पहेली थी। पहेली थी, धूप से वह पैदा होता है, छाव देखकर मुरझा जाता है, हवा से उसकी कभी नहीं बनती, हवा देखकर वो मर जाता है। तो क्या बता सकते हैं ये क्या चीज है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। इसका सही जवाब है पसीना। इसका जवाब राजा ने दे दिया था और वो जादू दुनिया के अंदर भी चले गए थे, जहां उन्हें एक नक्शे का टुकड़ा मिल गया था। तभी उन्हें खबर मिलती है कि अथर्व की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तो इसलिए वह तुरंत अपनी खोज को रोकते हुए महल में वापस लौट आते हैं, जिससे वो अथर्व का ख्याल रख सके। तब अथर्व कहता है, पिताजी मैं इन 6 दुनियाओं को पार करूंगा और माँ को आजाद करके लाऊंगा। राजा अथर्व को महल के एक तहखाने में लेके जाता है, जहाँ एक संदूक रखा हुआ था, लेकिन संदूक लॉक्ड है। क्या आप संदूक को देख के उसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं लॉजिकल आर्मी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कोड मिल जाएगा। 2x5 10 होता है, 3x6 18 होता है, तो कोड के लिए 5x8 हो जाएगा 40। राजा संदूक खोलते हैं तो उसमें से एक नक्शे का टुकड़ा बाहर निकलता है। राजा कहते हैं, यह उस नक्शे का पहला टुकड़ा है जिसे तुम अपनी माँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन बाकी 5 टुकड़े तुम्हें खुद ढूंढने होंगे। निकलने से पहले राजा एक जादुई तलवार अथर्व को देते हैं। ये तलवार का नाम छुमंतर है। राजा अथर्व से कहते हैं, अंधेरे में ये तुम्हें रोशनी देगी और तुम इस तलवार की मदद से गायब हो सकते हो, लेकिन इस तलवार का इस्तेमाल सिर्फ 2 बार ही किया जा सकता है। अथर्व तलवार लेता है और जंगल में निकल पड़ता है। अथर्व पहली बार अकेला निकला था तो थोड़ा डर रहा था, उसे प्यास लग रही थी तो वो पानी पीने के लिए तालाब के पास जाता है। तालाब के पास बहुत सारे शैतान बंदर थे। वो अथर्व के ऊपर कूदते हैं और उसे तलवार छीन लेते हैं, और फिर एक बंदर अथर्व के पैरों को बांध देता है और उसे ट्री पे उल्टा लटका देता है। बंदर सब वापस ट्री पे चढ़ जाते हैं। अथर्व बेचारा वहाँ फंस गया है, अब क्या करेगा अथर्व? वहीं दूसरी तरफ रिया भी 6 जादुई दुनिया की खोज में थी। जादुई दुनिया का नक्शा खजाने के पास भी लेके जाता है। रिया को अब तक उस नक्शे का एक भी टुकड़ा नहीं मिला था। रिया चलते चलते एक ब्रिज के सामने पहुंच जाती है। ब्रिज को पार करने के लिए स्टोन 3, 9, 2, 4, 5, 25 और फिर 6 पे रिया जंप कर लेती है। आगे रिया को 2 स्टोन दिख रहे थे, 36 और 32। अब रिया को सही स्टोन पे जंप करना है और ब्रिज को क्रॉस करना है। तो क्या बता सकते हैं कौन सा स्टोन सही है 36 या 32? सोचिए लॉजिकल आर्मी। पहला नंबर है और फिर उसका स्क्वायर है, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो रिया और ब्रेवो स्टोन 36 पे जंप करते हैं और ब्रिज को पार कर लेते हैं। तभी वहां से खबरी उड़ता हुआ आता है और रिया को अथर्व के बारे में बताता है। रिया तुरंत अथर्व को बचाने के लिए वहां से निकल जाती है। शैतान बंदर रिया को अथर्व के पास आने नहीं दे रहे थे। ब्रेवो जोरों से भौंकता है तो सारे बंदर वहां से भाग जाते हैं। रिया अथर्व को बचा लेती है।
अथर्व रिया को अपनी पूरी स्टोरी बताता है और रिया अथर्व की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों साथ में जादुई दुनिया के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जहां पे अथर्व के पिताजी ने ये नक्शे का टुकड़ा प्राप्त किया था। अथर्व उस दरवाजे के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मैं आलिस्तान का राजकुमार अथर्व हूँ और मुझे दरवाजे के पार जाना है। तब वह दरवाजा कहता है, आलिस्तान के राजकुमार का जादुई दुनिया में स्वागत है। मैं तुम्हारी विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुआ, पर नियम के मुताबिक मेरी पहेली का जवाब दो। और दरवाजा एक पहेली पूछता है, वह कौन सा फल है जिसमें लाल डिब्बा और पीले खाने होते हैं और उसके अंदर मोती जैसे दाने होते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं इस पहेली का जवाब? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अथर्व कहता है, इस पहेली का जवाब अनार है। और दरवाजा खुल जाता है। अथर्व और रिया जादुई दुनिया के अंदर चले जाते हैं और उस नक्शे के आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं। वह नक्शा एक समुद्र के किनारे पे खत्म हो जाता है। अथर्व रिया से कहता है, लगता है अगली दुनिया समुद्र के अंदर है और हमें नक्शे के अगले टुकड़े के लिए समुद्र की दुनिया में जाना होगा। तभी समुद्र के अंदर से एक जलपरी पानी के ऊपर आती है और उन दोनों से कहती है, समुद्र की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जलपरी हूँ और समुद्र में आने जाने वाले हर प्राणी पर नजर रखती हूँ। तब रिया जलपरी से कहती है कि अगर हम समुद्र में गए तो हम तो मर जाएंगे। तो जलपरी कहती है, ये जादुई दुनिया है, यहाँ आप लोगों को कुछ नहीं होगा, पर आप लोगों को अंदर जाने से पहले मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। और जलपरी उनसे एक पहेली पूछती है, मेरे बच्चे काले हैं और लोग मुझे छोड़कर मेरे बच्चों को खाते हैं, क्या लॉजिकल आर्मी आप इस पहेली का जवाब दे सकते हैं? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। रिया तो इसका जवाब तुरंत दे देती है, इलायची। तो जलपरी उन दोनों को समुद्र के अंदर जाने देती है और वहां से गायब हो जाती है। काली दुनिया का शैतान गोकू ये सब देख रहा था। वो काले पानी की मदद से किसी को भी देख सकता था। वो कहता है, मेरा नाम है पहेली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहेलियों से गोगो। शैतान गोगो अपने साथी धमाका सिंह के पास जाता है और कहता है, समुद्री दुनिया में जाकर जासमीन के बेटे अटर और रिया दोनों को खत्म कर दो। धमाका सिंह समुद्री दुनिया में पहुंच जाता है और जैसे ही वो समुद्र के अंदर जाने लगता है, वहां जलपरी आ जाती है और उससे कहती है, रुको, अंदर जाने से पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। और जलपरी धमाका सिंह से एक पहेली पूछती है, जल की वो है रानी, जीवन है उसका पानी, जल से बाहर नहीं आती है, बाहर निकालो तो वो मर जाती है। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का जवाब क्या है? धमाका सिंह गोगो का बहुत ही समझदार और ताकतवर साथी था। वो इस पहेली का जवाब दे देता है, मछली। तो जलपरी धमाका सिंह को समुद्र के अंदर जाने देती है और वहां से गायब हो जाती है। उधर अथर्व और रिया समुद्री दुनिया में नक्शे का टुकड़ा ढूंढ रहे थे। वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां थी और सामने एक गुफा थी। वो लोग गुफा के पास पहुंच जाते हैं। गुफा का दरवाजा एक लॉजिक से बंद था। गुफा के ऊपर चार बटन दिए हुए हैं। अब उनमें से एक बटन ऑड वन आउट है, जिसको प्रेस करके डोर ओपन होगा। तो लॉजिकल आर्मी, आप सोच सकते हैं इन चारों में से कौन सी बटन ऑड वन आउट है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मछली को छोड़कर बाकी तीन प्राणी, मेंढक, सांप और कछुआ, तीनों जल के अंदर और बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन मछली सिर्फ जल के अंदर रह सकती है। मतलब ये ऑड वन आउट है। अथर्व सही बटन को प्रेस कर देता है तो गुफा का डोर ओपन हो जाता है और दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। अब क्या होगा गुफा के अंदर और क्या धमाका सिंह दोनों को रोक लेगा? क्या दोनों नक्शे को ढूंढ पाएंगे? देखते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।